मैं सतीश कुमार तिवारी डिस्ट्रिक्ट झांसी यूपी से हूँ, फिजिक्स लेक्चरर। मेरी बेटी अन्या तिवारी क्लास 9th स्टूडेंट है। इसी साल मैंने सेशन 2023-24 यहाँ अपनी बेटी को एनरोल किया था, तो लगभग बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिली। जैसा उम्मीद की थी वैसी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है, खाना पीना पढ़ाई के लिए दोनों चीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के लिए बहुत बोझिल एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अकेले ऐसा भी नहीं कि थ्योरेटिकल या स्टडी का प्रेशर है। गेम भी हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी है, और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो एक अच्छे सिटीज़न के डेवलपमेंट के लिए या बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर गुरुकुल में देने की कोशिश की जा रही है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मेरी बेटी ने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पार्टिसिपेट किए, ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ साथ दोनों एकेडमिक भी उसका अच्छा है, दोनों में इनपुट अच्छा दिया जा रहा है। एकेडमिक के साथ साथ जो हेल्थ का ग्रो है या स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं या कल्चरल प्रोग्राम है, इन सभी प्रोग्राम्स में बच्चों को सबको पार्टिसिपेट किया जाता है। ऐसा भी नहीं कुछ लोगों को, सारे बच्चों को अलग अलग जिसकी जैसी अपॉर्चुनिटी है, जिसका जिस चीज़ में है इंटरेस्ट, वैसे बच्चों को अलग अलग यहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बच्चों के साथ में फ्रेंड सर्कल अच्छा है, टीचर्स है या जो भी स्टाफ हैं वो सब इजीली डील करते बच्चों को। सबसे अच्छी बात ये है, बच्चों के ऊपर कोई एडिशनल फोर्स या प्रेशर नहीं है कि बच्चों को ये लगे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है या हमें बहुत दबाया जा रहा है या बच्चों में डर का माहौल हो। जैसा होना चाहिए एटमॉस्फेयर एक बच्चे के लिए, एक परिवार के जैसा, एक फैमिली के जैसा, सारे टीचर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स सब ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चों को ये नहीं लगता कि हमें स्कूल छोड़ के भागना है। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जब अपने घर से आते हैं नई जगह किसी बड़े शहर में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा या घर का अटैचमेंट उन्हें छूट नहीं पाता। तो यहाँ सबसे अच्छी बात एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बच्चे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, टीचर्स के साथ भी, यहाँ के स्टाफ के साथ भी, बाकी लोगों के साथ। अपना एडजस्टमेंट करने के बाद धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने घर ही के साथ हैं। और दूसरा क्या है कि सूचना मिल रही है फ़ोन के ऊपर भी, ऑनलाइन जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, तो पेरेंट्स को सब कुछ भेजा जा रहा है। ग्रुप बना हुआ है स्कूल का और अलग अलग जो भी सोशल मीडिया है, हर के ऊपर हर बच्चे की इन्फॉर्मेशन, जो प्रोग्राम है, सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है और फ़ोन से बात होती है। तो इस तरीके से लगभग हम लोग बच्चे के साथ कनेक्ट भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें एक हफ्ते में या 15 दिन में अपने बच्चे की जानकारी मिल रही है, लगभग हर दिन कुछ ना कुछ जो नया है इस स्कूल कैंपस के अंदर, वो सोशल मीडिया के थ्रू लगभग पेरेंट्स को बच्चों की जानकारी मिल रही है। माय नेम इज़ आन्या तिवारी, आई एम फ्रॉम क्लास 9th। मैंने इसी साल गुरुकुल में एडमिशन लिया है, तो गुरुकुल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। गुरुकुल इज़ जस्ट लाइक आर होम, और टीचर्स जो हैं वो काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी फैमिलियर हैं, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की कमी यहाँ पे महसूस नहीं होती है। खाना बहुत अच्छा है और खाने पीने की भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें टाइम टू टाइम 5 times मील प्रोवाइड किया जाता है, और एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, लाइक हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हमारे मैथ्स टीचर बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अभी जब से पढ़ती हुई आ रही हूँ, तब से मुझे अपनी लाइफ में सबसे अच्छे मैथ्स टीचर आई गेस यहीं ही मिले हैं। तो आई थिंक आई एम हाईली प्रिविलेज्ड टू बी हेयर। और मैं जैसे मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो मुझे म्यूज़िक में भी काफ़ी आगे बढ़ाया गया, काफ़ी चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। मैं म्यूज़िक क्लब इंचार्ज भी हूँ, और फिर हमें दिल्ली टूर भी हमें काफ़ी टूर्स कराए जाते हैं सिटी मॉल, ताकि हम एग्जॉस्ट ना हो जाएं एक उसी डेली लाइफ से। तो हमें सिटी मॉल में आउटिंग कराई जाती है, और अभी हमें रिसेंटली दिल्ली टूर ले जाया गया था, जहाँ पे हमें पार्लियामेंट विज़िट करवाई गई। और क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत फैमिलियर हैं, तो अगर हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड अस, दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे कभी घर वालों की कमी महसूस नहीं होती, इवन नॉट ओनली मी, किसी को भी। और हम बहुत अच्छे से यहाँ पे रहते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, वेरी नाइस, खाना पीना, टीचर्स, और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी हैं। हमें एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी वो किया जाता है। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, और जो जिसको जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, उसे उस स्पोर्ट में अपॉर्चुनिटी दी जाती है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओलंपियाड्स वगैरह भी कराए जाते हैं, हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन भी कराई जाती है। और वो जो एक बर्डन होता है कोटा का, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो हमें एकदम आराम से पढ़ाया जाता है। स्टडीज़ बिल्कुल वैसी ही हैं, पर प्रेशर वैसा नहीं है। हमें हर चीज़ में इंटरेस्ट लेके पढ़ाया जाता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना है ये सिखाया जाता है।
एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, हर फंक्शन बिल्कुल घर के जैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम घर पे करते थे वैसे यहाँ। तो गुरुकुल इज़ वेरी नाइस एंड आई एम तो वेरी जॉयफुल टू बी हेयर एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। तो थैंक यू।